हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉर्न चाट रेसिपी। मक्के का सीजन है और इससे फ्रेश चीज़ और क्या हो सकती है और हेल्दी चीज़ क्या हो सकती है। विदाउट मसाला मैं आपके साथ आज ये कॉर्न चाट रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्रेश मक्का, ये देखिए, जिसे मैंने बॉइल कर लिया था नमक के पानी में। जी हाँ, आप भी इसे नमक के पानी में बॉईल कीजिएगा और देखिए कितने अच्छे से हमारा मक्का पक चुका है। मक्का ध्यान रखें कोमल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो सारे जो इसके दाने हैं वो निकाल के हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ फ्रेश सब्जियां, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है गाजर। गाजर को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पे खीरा ऐड करेंगे और आधा टमाटर भी यूज़ किया है। टमाटर भी हम पतला पतला कट करके डाल देंगे। स्पाइसी के लिए हरी मिर्ची डालिए और फ्रेश धनिया। धनिया हर किसी को सर का ताज होता है। और थोड़ा सा लेमन जूस। इन सबको आपस में हम मिला लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे चंकी चाट मसाला डालेंगे इसको और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। अच्छे से हम सबको मिला लेंगे। हम यहाँ पे जो चाट बना रहे हैं वो भी घर के ही चीज़ों की, रखी हुई चीज़ों से ही हम बना रहे हैं। कोई फालतू चीज़ हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे डालना है थोड़ा सा अनियन। अनियन मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अनियन पानी छोड़ देता है। और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। इसे भी हम ठीक इसी तरीके से मिला लेंगे। अनियन ध्यान रखें कि अनियन हम बाद में ही रखें, नहीं तो आपका सारा चाट पानी पानी वाला हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कॉर्न चाट रेसिपी तैयार है। बिना कुछ फालतू मसाला ऐड किए हुए हमारा टेस्टी हेल्दी कॉर्न चाट तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पे सेजवान चटनी या टमाटो केचप भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ पूरी तरीके से, तो हम इसे कुछ ऐड नहीं करेंगे। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी होता है। अगर आपके लिए रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।